हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के पांच सबसे डरावने सुपरस्टार्स के बारे में जिनको देख के हमारी रूह कांप जाती थी। तो चलिए, वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर 5 जिस सुपरस्टार को मैंने रखा है वो है डेविल्स फेवरेट डेमन केन। तो केन का डेब्यू हुआ था 1997 पे हेल इन ए सेल पेपरव्यू में, और वहाँ पे ऑलरेडी मैच चल रहा था अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का। और इस मैच के अंदर यहाँ पे अपना डेब्यू करते केन, और उसके बाद वो हेल इन ए सेल का दरवाज़ा तोड़ देते और आते रिंग में और अंडरटेकर को एक टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर देते और अंडरटेकर को मैच कॉस्ट करवाते। और इस तरीके से भयानक तरीके से केन का डेब्यू हुआ था WWE में। फिर हमको तो पता है ये ईयर बाई ईयर केन ने कितना इम्प्रूव किया अपने कैरेक्टर को, और सभी बच्चे भी डर जाते थे केन को देख के उस टाइम पे। फिर 2002 में केन ने अपना अनमास्क किया और अपना मास्क उतारा, उसके बाद केन और भी डरावने देखने लग गए और एक न्यू लुक के साथ केन बहुत ही जच रहे थे। फिर आफ्टर दैट केन यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप जीतते जा रहे थे। फिर एंड ऑफ द करियर में उन्होंने अंडरटेकर के साथ अपना टैग टीम फॉर्म किया, वो भी बहुत पहले। और उसके बाद केन यहाँ पे बहुत टाइम तक अंडरटेकर के साथ टैग टीम चैम्पियंस बने हुए थे। और अगर हम केन की करियर की बात करें तो केन ने अपने करियर में टोटल 3 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बने थे एंड 12 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियन भी बने थे विद अंडरटेकर, डेनियल ब्रायन और भी काफ़ी सुपरस्टार के साथ। और हम ये मान के चल सकते हैं कि केन है वन ऑफ द मोस्ट डेविल्स फेवरेट डेमन एंड खतरनाक सुपरस्टार WWE के। नेक्स्ट नंबर 4th पे मैंने जो सुपरस्टार के रखा है वो है जेक द स्नेक रॉबर्ट। और जेक द स्नेक रॉबर्ट ने WWE में अपना डेब्यू किया था 1986 के टाइम पे। तो उस टाइम पे जेक द स्नेक रॉबर्ट एक स्नेक के साथ आते थे और अपने ओपोनेंट के ऊपर भी स्नेक को डाल देते थे कभी कभी मैच के दौरान। और उसके बाद जब उनको ओपोनेंट को बीट डाउन कर देते थे तो उनके ऊपर अपना सांप छोड़ देते थे जो कि होता था बहुत बड़ा पाइथन टाइप सांप, और इसलिए जेक द स्नेक रॉबर्ट से आज भी काफ़ी लोग डरते हैं। और अभी यहाँ अगर हम बात करें जेक द स्नेक रॉबर्ट कहाँ है, तो वो अभी AEW में अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पे रेसलिंग नहीं कर रहे, वो एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। और मैनेजर है लांस आर्चर का। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कई बार जेक द स्नेक रॉबर्ट अपने सांप के साथ आ जाते हैं और अपने ओपोनेंट के ऊपर भी अपना सांप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 3rd सुपरस्टार के बारे में, तो ये आते हैं पापा सांगो। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार थे WWE की हिस्ट्री में। तो साल 1992 पे पापा सांगो ने अपना डेब्यू किया था WWE में। उसके बाद उनका गिमिक बहुत ही पॉपुलर आ गए और उनके बाद वो अपने ब्लैक मैजिक से उनके बाद उनका गिमिक बहुत ही पॉपुलर हो गया और उसके बाद वो अपने ब्लैक मैजिक से अपने ओपोनेंट को हरा देते थे। मतलब जादू टोना करके ही अपने ओपोनेंट को रिंग में हरा देते, जो कि काफ़ी डरावने वाली चीज़ थी उस टाइम पे। और इसलिए उनका कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर हुआ था और वो काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड के साथ मैच कर चुके, लेकिन उनका जो एंट्रेंस था वो भी काफ़ी बढ़िया था। और वो जब जिस तरीके से रिंग में मैच लड़ते थे वो भी काफ़ी डरावना था, और कई कई बार तो अपने जादू टोना से ही उन्होंने अपने ओपोनेंट के ऊपर जीत हासिल कर लिया। तो ये भी है वन ऑफ द डरावने सुपरस्टार ऑफ WWE। नेक्स्ट नंबर 2 पे आते द डेड मैन अंडरटेकर। तो अंडरटेकर ने WWE में अपना डेब्यू किया था 1990 में, और उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए WWE में क्योंकि उनका गिमिक बहुत ही डरावने वाला था और उनका एंट्रेंस जिस तरीके से था काफ़ी लोग डर जाते थे उनके एंट्रेंस से ही। और उसके बाद WWE में उनका गिमिक बहुत ही पॉपुलर हो गया और वो रेसलमेनिया में बहुत बार मेन इवेंट में कर चुके हैं। और अगर हम रेसलमेनिया के उनका स्ट्रीक की अगर हम बात करें तो रेसलमेनिया में उनका स्ट्रीक था 21-0, और रेसलमेनिया 30 में फाइनली ब्रॉक लेसनर ने उनका इतना बड़ा स्ट्रीक को तोड़ा एट रेसलमेनिया, जो देख के काफ़ी लोग शॉक थे। और मुझे लगता है हिस्ट्री में WWE में अंडरटेकर वन ऑफ द दो सुपरस्टार जरूर होंगे जिनको देख के बच्चे भी डर जाते थे, क्योंकि हमें भी पता था कि उनका कितने मौत से आगे निकल के आए, मतलब वो मर जाते थे फिर भी वो वापस आ जाते थे। इस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही थी WWE में इन 2000 टाइम।
तो इसी तरीके से WWE ने भी उनको बिल्ड किया और काफ़ी बड़ा चैंपियन बना उनको WWE में, और उन्होंने अपने पूरी करियर में 7 times WWE चैंपियनशिप जीता और 6 times WWE टैग टीम चैंपियन भी बने थे, और इसीलिए मैंने इनको नंबर 2 पे रखा है। और इसके बाद नंबर 1 पे जो सुपरस्टार आते हैं वह WWE के सबसे डरावने सुपरस्टार द बुगीमैन। तो साल 2005 में बुगीमैन ने अपना डेब्यू किया था WWE में, और वो अपने डेब्यू मैच से बहुत ही पॉपुलर बन गए थे लोगों के बीच में, और बच्चे उनको देख के डर जाते थे क्योंकि वो उनका एंट्रेंस में वो अब केंचुआ खाते थे, और उनके आप जैसे कि इस थीम में आप देख ही सकते हैं उनके कई कई सेगमेंट में भी केंचुआ खाते थे, जो देख के सामने वाले उनके ओपोनेंट बहुत ही डर जाता था। और उन्होंने अपने पूरी करियर में कभी WWE चैंपियनशिप तो नहीं जीती, लेकिन कई आइकॉनिक मूवमेंट दी है। और अभी की अगर हम बात करें, वो अभी किसी और प्रमोशन में काम करे छोटे से, और कभी कभी WWE में अपने अपीयरेंस दे देते स्पेशल ओकेशंस में, और इसलिए बुगीमैन बहुत ही डरावने सुपरस्टार है WWE की हिस्ट्री में, कि कुछ केचुआ खाते थे वो भी जिंदा, जो देख के काफ़ी लोग डर जाते थे। तो यही थे WWE के टॉप 5 डरावने सुपरस्टार की लिस्ट। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।